ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, आज के वीडियो में हम मनोकामना पूर्ति के लिए एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जो कि काफी कारगर है, काफी लोगों द्वारा आजमाया जा चुका है। आप भी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसमें फल अवश्य मिलेगा। देखिए, इस यंत्र को आप कैसे बनाएंगे, ये दिख रहा है आपको, ये बीच में से एक लकीर है, ये आवश्यक है, इधर भी आवश्यक है, इधर भी आवश्यक है, इसको कि हम कहते हैं त्रिशंकु बना हुआ है। इसमें क्या करना है, इसके बाद अंदर एक और तिकोना बनाना है। तिकोना बनाने के बाद अंदर लिखना है ह्रीम, उसके बाद इधर शून्य लिखना है। इस यंत्र को आप सोमवार को बनाएंगे साफ सुथरे कागज पर। इस बात का ध्यान रखना है कि शाम को 4 बजे या 5 बजे से पहले पहले, यानी कि सूर्यास्त होने से पहले पहले इस यंत्र को आप बना लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए ऊपर लिखा गया है धन। यदि आपकी मनोकामना धन से संबंधित है तो ऊपर धन लिखेंगे। इधर लिखा गया है तन, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित। इधर लिखा गया मन, यानी कि आपके जो डिप्रेशन में अगर आप आज आ गए हैं किसी समस्या की वजह से, तो मन में शांति के लिए। अब बात आती है यदि कोई अन्य आपकी मनोकामना है, तो जो भी मनोकामना, यदि शादी के लिए है तो ऊपर लिखेंगे विवाह या शादी, या आपकी परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो परीक्षा लिखेंगे ऊपर। जो भी आपकी मनोकामना है वो ऊपर लिखी जाएगी, जितने भी कम शब्दों में आप उसको लिख सकें ऊपर आप उसको लिखेंगे। इससे पहले कि हम आपको आगे बताएं इस उपाय में क्या करना है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन पर। इसको डाउनलोड करने के बाद इस पर आपको हमारा ग्रुप सर्च करना है, कागज़ पर टोटके, या इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे ग्रुप का। जो ग्रुप है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, काफ़ी लोगों को इस लाभ मिला है, उनके मैसेज भी दिखेंगे आपको, और जैसे ही आप जुड़ेंगे आपको कुछ ही घंटों में हमारा मैसेज भी आ जाएगा। अब क्या करना है आगे, देखिए इस उपाय में बताते हैं। जो आपको मंत्र का जाप करना है सोमवार से ही, आई रम रमते उदय रम रमते। दोबारे बता देते हैं, आई रम रमते उदय रम रमते, इस मंत्र का जाप करना है। अब बात आती कितने दिनों तक और कितनी माला जपनी है। आपको इसमें दिन नहीं गिनने होंगे कि कितने दिनों तक, नियम से आपको रोज जपना है सूर्यास्त होने से पहले पहले, और कम से कम आप इसकी 5 माला का जाप करेंगे। तुलसी की माला का प्रयोग किया जाएगा, तुलसी की माला का, और 5 माला नित्य आपको जपनी है सूर्यास्त होने से पहले पहले। घर के मंदिर में इस यंत्र को आप स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं, और यदि घर में मंदिर नहीं है या घर के मंदिर में नहीं रखना चाहते हैं तो आपका चेहरा पूर्व दिशा की तरफ करके यंत्र को ऐसे सामने खड़ा करके यूं फिर मंत्र का जाप करेंगे साफ सुथरे आसन पर बैठकर। और जब आप मंत्र का जाप कर रहे हो तो जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, जो भी आपका उद्देश्य है उपाय करने का, उसके बारे में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोचना है और साथ ही साथ मंत्र का जाप करना है। कुछ ही दिनों में आपको लक्षण दिखने लगेंगे कि हाँ, जो आपकी मनोकामना है उसकी तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं और आपको इसमें लाभ मिल रहा है। तो बंधुओं, ये उपाय करके देखें, निश्चित तौर पे आपको इसमें लाभ मिलेगा। हमारा YouTube पर एक और चैनल है कागज़ पर ज्योतिष, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।